आए दिन शहर में ग्राहकों का बैंक ओटीपी नंबर लेकर आरोपी धड़ल्ले से ग्राहकों की लूट कर रहे हैं, ऐसा एक शिकायत सकरदरा थाने में दर्ज की गई है। आरोपी द्वारा लालच देने पर फिरियादी ने अपने बैंक ओटीपी नंबर आरोपी को दिया, जिसके बाद आरोपी ने फिरियादी के बैंक अकाउंट से तकरीबन 1 लाख नकद निकाल ली। बैंक से मैसेज आते ही फिरियादी के होश उड़ गए। फिरियादी की शिकायत पर सकरदरा पुलिस ने बैंक के अकाउंट को फ्रीज करने का कहा, जिसके चलते फिरियादी के लाख रुपए आरोपियों के हाथ जाते जाते बच गए हैं। आए दिन शातिर दिमाग के लोग कुछ ऐसी शक्ल लड़ाते हैं जिससे वे शहर के नागरिकों के बैंक अकाउंट में सेंध लगा के हजारों लाखों रुपए ऐंठ रहे हैं। ऐसी ही एक घटना की शिकायत सकरदरा थाने में दर्ज कराई गई है। मिली जानकारी के अनुसार फिरियादी को शातिर ठग से ने कुछ ऐसा लालच दिया जिसके जाल में फिरियादी फंस गया। फिरियादी को आरोपी ने बैंक का ओटीपी नंबर मांगा और आरोपी ने अपने पंजाब नेशनल बैंक का ओटीपी नंबर दिया। ओटीपी नंबर मिलते ही ठगसेन आरोपी ने फिरियादी के ओटीपी नंबर से 1 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। धोखाधड़ी होने का अंदेशा होते ही फिरियादी ने सकरदरा थाने में शिकायत दर्ज की। सकरदरा के पीआई सत्यवान माने ने फिरियादी के साथ पंजाब नेशनल बैंक मैनेजर से मिले और आप बीती बताई और अकाउंट फ्रीज करने को कहा। पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर ने तत्काल अकाउंट फ्रीज किया, जिससे पैसों का ट्रांसफर रुक गया और आरोपी को 1 लाख नहीं मिल पाए। सकरदरा के पीआई की समझदारी के चलते फिरियादी का 1 लाख रुपए का नुकसान होते होते बच गया। काल इथं सकरदरा पीएसला एक तक्रारदार आले की त्यांना मोबाईलवरून त्यांच्या ओटीपी नंबर मागितला आणि ओटीपी नंबरवरून त्यांच्या लक्षात येईपर्यंत त्यांच्या अकाउंटमधले पैसे काढलेत ह्या बाबतची तक्रार झाल्यानंतर इथं आमचे ड्युटी ऑफिसर PSI मसराम होते, तसेच DBचे API सागर आव्हाड आहेत, त्यांना भेटल्यानंतर त्यांनी तात्काळ हालचाली करून ते कुठलं ज्युरिडिक्शनही न पाहता तात्काळ हालचाली करून बँकेत गेले। बँकेत पंजाब नॅशनल बँकेतलं त्यांचं अकाउंट होतं, इथं त्यांच्या निदर्शनास आले बँकेत गेल्यानंतर की ते बँकेनं ते PTMद्वारे ते ट्रान्सफर केलेले आहेत आणि पॉकेटमध्ये पैसे आहेत त्यांच्या, त्यामुळं ते हालचाल करून तात्काळ ते अकाउंट फ्रीज करण्याबाबत रिक्वेस्ट केली बँक मॅनेजरला जाऊन स्वतः, आणि त्याच्यामुळं फिरियादीचे 1 लाख रुपये जे ट्रान्सफर झाले होते, फ्रॉड झाला होता त्यांचा, ते 1 लाख रुपये त्यांना आरोपीला सोकॉल्ड सायबर फ्रॉड आरोपीला ते काढता आले नाहीत आणि ते बँकेने फ्रीज करून ठेवलेले आहेत। त्या दरम्यानच असं निदर्शनास आलं त्या अकाउंटवरती अजून एक दुसरे कुठले तरी 1 लाख रुपये जमा झालेले आहेत, त्याचा आपल्याला तक्रारदाराचा शोध लागलेला नाही, परंतु त्या अकाउंटला त्याच अकाउंटला जमा झाल्यामुळे त्याची दुसऱ्या कुठल्या तरी व्यक्तीची एखादी फसवणूक झाली असण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे ते अकाउंट आपण प्रायमापिशी फ्रीज केलेलं आहे, रितसर गुन्हा दाखल करून पुढची कारवाई नंदनवन PSC आधीच राहणार असल्यामुळे ते करण्यात येत आहे। नागपुर पुलिस सभी नागरिकों को बार बार ये आवाहन करता है कि कोई भी अपना बैंक का OTP नंबर ना दे, वरना अगले शिकार आप हो सकते हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ संजय मेरे, NBC News नागपुर।